तो बिग बॉस के घर के अंदर एक और एक्स कॉन्टेस्टेंट की फिर से वापसी हुई है। क्रिसमस के मौके पर बिग बॉस जो है धमाके पर धमाके घर के अंदर कर रहे हैं और कौन सा कॉन्टेस्टेंट वापस आया है मैं हीना कुमावत टीवी विंडो पर आपको बताऊंगी। तो क्रिसमस का मौका है, ना सिर्फ एक पपी को घर के अंदर भेजा गया है बल्कि अब गौरी नगौरी भी घर में वापस आई है। गौरी नगौरी तीन या चार कॉन्टेस्टेंट ही अभी तक जो है अगर मैं कहूँ तो एविक्ट हुए हैं, गौतम, मान्या, सुजिता, गौरी और अब अंकित। तो ऐसे में सभी जो है, मान्या जो है, मान्या को छोड़कर, हालांकि मान्या का जब मैंने इंटरव्यू किया तो पूछा भी था कि क्या आपको बुलाया गया है, और गौतम तो ये दो छोड़ दिए जाए तो अब सुजिता तो वापस आ गई, अंकित के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं और गौरी भी वापस आई है। तो मैं आपको बता दूँ कि गौरी नगौरी का एक स्पेशल सेगमेंट जो है क्रिसमस के मौके पर रखा गया है, मुझे लगता है कि डांस परफॉर्मेंस के लिए जो है उन्हें बुलाया गया होगा। तो क्रिसमस के मौके पर गौरी घर के अंदर फिर से एंटर हुई हैं और जैसे ही वो एंटर हुई सभी घर वाले खुश हो गए। पर वो घर के अंदर रहेंगी नहीं, जो खबरें आ रही हैं खबरें यही हैं कि वो सब परफॉर्मेंस देकर जो है वापस चली जाएंगी और वो वाइल्ड कार्ड बनकर नहीं आई हैं, वो सिर्फ क्रिसमस स्पेशल के लिए आई हैं और सभी के साथ डांस नाच गाना होगा। गौरी का तो डांस में कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, कोई कॉम्पीट कर ही नहीं सकता उन्हें। जब मैं देखती थी जब गौरी घर के अंदर थी तो सुम्बुल, शालीन, गौरी इन सबका जो डांस होता था मतलब टक्कर वाला होता था, गौरी को बीट करना बहुत मुश्किल है। जो भी गेस्ट घर के अंदर जाता था और डांस का अगर कोई टास्क हुआ तो समझो कि गौरी ने सबका दिल जीत लिया। तो अब मुझे लगता है कि क्रिसमस के मौके पर ही गौरी को फिर से बुलाया गया है, उनका कोई परफॉर्मेंस होगा। लेकिन गौरी जब घर के अंदर जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि सब उसको देखकर काफ़ी खुश होंगे। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं।